वेलकम बाय फ्रेंड्स, आज आपके सामने मैं एक न्यू वीडियो ट्यूटोरियल लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम हैंस स्पीमन का एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो कि है प्रोग्रेसिव डिटर्मिनेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल के बारे में। तो जो स्पीमन थे उनको फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी भी हम कह सकते हैं, उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन था और एम्ब्रियोलॉजी में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फाउंडेशन एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसके बेसिस पे अभी हमें एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का पता चला है। तो ये जो टॉपिक है ये इंडक्शन के अंदर आता है और उन्होंने प्राइमरी इंडक्शन, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में काफ़ी टाइम पहले डिस्कस किया था, उसके बारे में बताया था। तो इसने ये बताया था कि जो सेल होते हैं एम्ब्रियो के ड्यूरिंग द अर्ली सेल डिवीज़न, उनका फेट जो होता है डिटर्मिन्ड होता है, और कई केस में फेट डिटर्मिन होता है, कई का डिटर्मिन नहीं होता। इसको कहते हैं जीनोमिक इक्विवेलेंस, जीनोमिक इक्विवेलेंस ये इसने कॉन्सेप्ट दिया था कि जो डीएनए है इन ईच एंड एवरी न्यूक्लियस इज टोटिपोटेंट एंड इट इज कैपेबल ऑफ गिव राइजिंग टू द होल ऑर्गेनिज्म। तो चलिए, उसने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए हैं उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसने न्यूट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, न्यूट सेलामेंडर है एंड इट इज एम्फीबियन। एम्फीबियन के अर्ली जो सेल डिवीजन होती है बिफोर एंड आफ्टर जाइगोट, उसके बारे में उसने डिस्कस किया था। उसने क्या कहा था, अर्ली न्यूट जो ब्लास्टोमियर होते हैं दे हैव आइडेंटिकल न्यूक्लियस एंड ईच केपेबल ऑफ गिविंग इंटायर लार्वा। इसके जो स्टार्टिंग वाले, जब इसकी ब्लास्टुला स्टेज आती है आफ्टर द जाइगोट, जब सेल डिवाइड करता है तो मल्टी सेलर मास बनता है, डेट इज द ब्लास्टुला, और उसके जो सेल होते हैं दे आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स, और दे कॉल ब्लास्टोमियर्स। तो जो ब्लास्टोमियर होते हैं ईच एंड एवरी सेल ऑफ अर्ली ब्लास्टुला एंड इट इज टोटिपोटेंट, इट इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू होल लार्वा। तो लार्वा बनता है, उसके बाद अडल्ट बनता है। तो लार्वा जो बनता है आफ्टर द गैस्ट्रुलेशन फुल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद ही ये बनता है। तो इसके बारे में इसने एक कंसेप्ट दिया था टोटिपोटेंसी के ऊपर। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होती है कि उसने जाइगोट को ले लिया, न्यूट का जाइगोट लिया आफ्टर द फर्टिलाइजेशन एंड उसने बेबी का हेयर लिया और उससे इसने लाइगेचर बना दिया, उसको टाइट कर दिया, पार्शली कंस्ट्रिक्शन क्रिएट कर दी। उसने क्या किया था, यहाँ दोनों साइड पे कंस्ट्रिक्शन क्रिएट कर दी थी थ्रेड से और बांध दिया था। इसको बांधने के बाद उसने क्या किया था, जब उसने न्यूक्लियस की एक साइड पे माइग्रेशन होने दी, एक साइड पे नहीं होने दी, तो उसने एक साइड पे न्यूक्लियस था, दूसरी साइड पे न्यूक्लियस नहीं था। तो ये उसने एक्सपेरिमेंट किया था, क्लोजिंग ऑल द न्यूक्लियर डिवीजन रिमेन ऑन वन साइड, जहाँ पे न्यूक्लियस था वहाँ पे सारे न्यूक्लियर डिवीजन होगी, यहाँ पे नो न्यूक्लियस तो यहाँ पे डिवीजन उसने बंद रखी थी। सो 16 सेल स्टेज पे क्या होता है, न्यूक्लियस वुड एस्केप द कंस्ट्रिक्शन इनटू द न्यूक्लिएटेड इन्यूक्लिएटेड साइड। तो यहाँ डिवीजन हो रही है 16 सेल, उसके बाद जो आगे डिवीजन आएगी न्यूक्लिएटेड साइड से इन्यूक्लिएटेड साइड में एक न्यूक्लियस जाता है। तो यहाँ मल्टी न्यूक्लिएटेड या स्ट्रक्चर होना है, यहाँ से एक न्यूक्लियस माइग्रेट करता है और इट आल्सो डिवाइड, न्यूक्लिएशन जहाँ स्टार्ट हो जाती है, डिफरेंट मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज आ जाती है। सो दोनों साइड पे न्यूक्लियस बन जाता है, टू हाफ वर कम्प्लीटली सेपरेटेड, तो ट्विन लार्वा यहाँ पे बने थे आफ्टर 32 एंड 140 सेल स्टेज। तो कंप्लीट उसका लार्वा बन गया था उसके अंदर,
लार्वा के जो सारे स्ट्रक्चर हैं वो डेवलप हो गए थे आफ्टर द 41 डेज। तो यहाँ जो उसने देखा था सेल डिवीज़न में, उसने ये कंक्लूड किया था कि अर्ली जो उसके न्यूक्लियस होते हैं दे आर प्रोटिपिटेंट अर्ली 16 सेल स्टेज के बाद जो न्यूक्लियस माइग्रेट किया आफ्टर 32 सेल स्टेज, और दोनों साइड में जो डिवीज़न हुई और मल्टी न्यूक्लिएटेड बन गया दोनों साइड पे, क्या बना आपके पास लार्वा, तो ट्विन लार्वा वहाँ पे डेवलप हो गया था। उसने कंक्लूड किया था अर्ली एम्फीबियन न्यूक्लियस वर जेनेटिकली आइडेंटिकल एंड गिविंग राइजिंग टू एंटायर ऑर्गेनिज्म। तो उसने कहा था जो अर्ली स्टेज के न्यूक्लियस होते हैं दे आर आइडेंटिकल और उससे पूरा ऑर्गेनिज्म बन सकता है। बट विल उसने ये एक्सपेरिमेंट को जब किसी और फॉर्म में किया, जो उसने कंस्ट्रक्शन लॉन्गिट्यूडनल बना दी बट परपेंडिकुलर द फर्स्ट डिवीज़न, यानी फर्स्ट प्लेन के परपेंडिकुलर और लॉन्गिट्यूडनल लिगेचर लगा दिया। पहले तो उसने ऐसे लिगेचर लगाया, सेकंड केस में उसने इस फॉर्म में लिगेचर लगा दिया। उसने क्या देखा था, ही फाउंड दैट अ डिफरेंट रिजल्ट वुड कम, सो डिवाइड ऑन द बोथ साइड ऑफ कंस्ट्रक्शन बट ओनली वन साइड वुड गिव राइज टू नॉर्मल लार्वा। तो एक साइड पे ही नॉर्मल लार्वा बनेगा, दूसरी साइड पे नहीं बनेगा। अदर साइड वुड गिव अनरिकॉग्नाइज्ड मास। तो एक साइड पे डिवीजन होगी, एक साइड पे नहीं होगी, दिस विल बी अनरिकॉग्नाइज्ड सेल मास। और इसको उसने कहा था ब्रेक स्टक। वेस्ट यानी अनरिकॉग्नाइज्ड जो मास है ये बन गया था। कंटेनिंग द ब्लड मेसेनकाइम गट बट नो द व्हाट यू कॉल्ड इन द प्राइमरी इंडक्शन न्यूरल सेल। तो एक साइड पे तो पूरा लार्वा बना, दूसरी साइड पे जो बना उसमें मेसेनकाइमल सेल थे यानी मेसोडर्म जो बनती गट थी, व्हाट नो न्यूरल नर्वस सेल्स, यानी ब्रेन की डेवलपमेंट वाला कोई भी वहाँ पे सेल नहीं था, डेट इज नोटोकोड। नोटोकोड का प्रेजेंटेटिव कोई सेल वहाँ पे नहीं बना था। और द सोमाइट्स, सोमाइट्स भी बनते हैं अर्ली स्टेजेस में, फिर नोटोकोड अपीयर होते हैं। सो बाय द डिफरेंट रिजल्ट बीन द एग डिवाइड परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट क्रियस प्लेन सम साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंस वाज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द टू हाफ। सेलमेंटर में बात की है, तो उसने क्या किया, जब उसने परपेंडिकुलर ला दिया तो जो साइटोप्लाज्मिक मास था, साइटोप्लाज्म में मटीरियल होता है, नॉट ओनली द न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट बट ऑल्सो द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस इज द वन थिंग बट द मेन थिंग इज द साइटोप्लाज्म। ओके, साइटोसोल और साइटोप्लाज्म में प्रोटीन होते हैं और इनको आप एवोकेटर बोलते हो, इंडक्टर मॉलिक्यूल बोलते हो, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया। इनका होना जरूरी है, न्यूक्लियस का के साथ इनका आना बहुत जरूरी है, एंड दे प्रमोट द सेल डिवीजन एंड नॉर्मल लार्वल डेवलपमेंट। तो मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्मिक कॉर्टिकल मूवमेंट फॉलोइंग द फर्टिलाइजेशन ऑफ द एम्फीबियन एग, एम्फीबिया का जो एग होता है उसमें कॉर्टिकल ग्रैन्यूल होते हैं, जिस जगह में जिस साइड में जाएंगे वहाँ नॉर्मल डिवीजन होगी। तो सम एम्फीबियन दिस मूवमेंट एक्सपोज ए ग्रे क्रिसेंट शेप एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म इन द रीजन डायरेक्टली ऑपोजिट टू द पॉइंट ऑफ स्पर्म एंट्री। तो क्या होता है, जहाँ पे स्पर्म एंटर करता है, ये उसका ओवम है, इस एरिया में स्पर्म एंटर करेगा, ये स्पर्म है और यहाँ एंट्री में स्पर्म आता है, उस जगह पे ग्रे एक साइड बन जाता है मूनलाइट, उसको हम कहते हैं ग्रे क्रीसेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो फर्स्ट क्लीवेज प्लेन नॉर्मली बाइसेक्ट दिस रीजन इक्वली इनटू टू ब्लास्टोमियर। Whoever showed this cleavage plane to be aberrant, the gray crescent material passes into any one of the two blastomere. Spemann found that when these two blastomere were separated, only the blastomere containing gray crescent developed normally.
तो क्या उसका कंक्लूजन था? ग्रे क्रिसेंट को उसने नोटिस किया, उसने देखा जिस सेल में आफ्टर द लाइगेशन, जिस जगह में द लाइगेशन किसी भी प्लेन में किया है, नो मैटर, बट द ग्रे क्रिसेंट फ्रेगमेंट, दिस इज द ग्रे क्रिसेंट, दिस इज द ग्रे क्रिसेंट, जिस जगह में, जिस सेल के पार्ट में, ब्लास्टोमियर में ग्रे क्रिसेंट के पार्टिकल जाएंगे, दैट विल डिवाइड नॉर्मली। सो ग्रे क्रिसेंट जो है, इट इनहांस द नॉर्मल लार्वल डेवलपमेंट, दिस इज मेन थिंग। नॉर्मल लार्वा बनता है, जिसमें नहीं होगा वहाँ लार्वा नहीं बनेगा। सो ग्रे क्रिसेंट इज द इम्पॉर्टेंट फॉर द सेल डिविजन, इट गिव राइज टू द सेल दैट गिव इनिशिएट गैस्ट्रुलेशन। तो इसमें ये सेल बनाता है, तो वो सेल आगे गैस्ट्रुला की फाउंडेशन करते हैं, गैस्ट्रुला इनिशिएट होता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो इनिशिएशन ऑफ गैस्ट्रुलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ आर्केंटोन, गैस्ट्रुलेशन के बाद आके आर्केंट्रोन बनती है, आफ्टर द गैस्ट्रुलेशन वहाँ से गट बनती है। तो ग्रे क्रिसेंट का यहाँ पे काफ़ी रोल है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्पीमर एक्सपेरिमेंट। अब हम थोड़ा डायग्रामेटिकली इसको कंक्लूड करते हैं। दिस वॉज द फर्स्ट कंक्लूजन एक्सपेरिमेंट बाय द स्पीमर। तो उसने क्या किया था, जो ब्लास्टुला 8 सेल स्टेज पे था, उसको लाइगेचर से टाइट कर दिया, दिस इज द लाइगेचर, लेसोस कर दिया विद द हेयर ऑफ बेबी, बेबी के हेयर से, डैट इज सॉफ्ट एंड रेलिवेंट टू दैट। सो उसके बाद जो 16 सेल स्टेज आई, इस स्टेज में एक साइड पे न्यूक्लियस था, एक पे नो न्यूक्लियस था, तो यहाँ तो डेवलपमेंट हो रही थी, यहाँ कुछ डिवीजन नहीं हुई। यहाँ पे जब वो 16 सेल स्टेज बन गई, तो यहाँ से एक न्यूक्लियस माइग्रेट कर गया इस स्टेज पे, दैट इज द न्यूक्लियस। उसके बाद नॉर्मल ट्विन्स लार्वा बने आफ्टर 140 डेज, दोनों साइड में लार्वा बने, लार्वा वन एंड लार्वा टू, एंड दे वर जेनेटिकली इक्विवेलेंट। तो ये उसका सेकेंड एक्सपेरिमेंट है। इसमें उसने यहाँ आपको बताया है ग्रे क्रिसेंट की इंपॉर्टेंस के बारे में, दी सेल वन एंड सेल टू, फर्स्ट डिवीजन हो रही है, दो सेल बन रहे हैं, दो से चार सेल बन रहे हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन के बाद यहाँ पे आपका ग्रे क्रिसेंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो जिस जगह पे ग्रे क्रिसेंट जा रहा है वहाँ नॉर्मल लार्वा बन रहे हैं, दिस इज द नॉर्मल डेवलपमेंट। तो जिस एरिया में ग्रे क्रिसेंट नहीं होगा वहां से अन रिकॉग्नाइज्ड सेल मास, तो इस जगह पे ग्रे क्रिसेंट है तो यहाँ पे नॉर्मल लार्वा बनेगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से इसने यही डेमोस्ट्रेट किया था कि ग्रे क्रिसेंट के इम्पोर्टेंस है, और गैस्ट्रुलेशन एंड लार्वा फॉर्मेशन में ये काफ़ी हेल्प करवाता है, क्योंकि दे हैव सम इंडक्टर मॉलिक्यूल दैट इन्हांस द गैस्ट्रुलेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट। तो ये थर्ड एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, अर्ली गैस्ट्रुला एंड लेट गैस्ट्रुला दोनों में इम्प्लांट किया गया था। क्या इम्प्लांट किया था, व्हेन द ट्रांसफर इज डन इन अर्ली गैस्ट्रुला, एक्टोडर्म की डिटर्मिनेशन को, फ्रॉम द न्यू एम्ब्रियो इज ट्रांसमिटेड न्यूरल एक्टोडर्म ट्रांसमिटेड रीजन ऑफ द अनदर एम्ब्रियो दैट नॉर्मली बिकम एपिडर्मिस। तो अर्ली स्टेज पे क्या किया, एक्टोडर्म यहाँ किसी और एरिया में इसने इम्प्लांट कर दी, तो एपिडर्मिस भी नॉर्मल बनी, न्यूरोप्लेट भी नॉर्मल बनी। उसके बाद उसने लेट स्टेज पे एक्टोडर्म को इम्प्लांट कर दिया नॉर्मल किसी और जगह पे, तो देखा एक सेकेंडरी न्यूरोप्लेट बन गई थी। तो दिस इज ऑल्सो फर्दर एक न्यू इन्वेंशन। सो व्हेन सेम एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म इन द लेट ग्लैस्ट्रुला प्रेजेंटिंग न्यूरल सेल फ्रॉम द न्यूरल टिश्यू, देयर बाय क्रिएटिंग टू रीजन फॉर्मिंग द न्यूरल प्लेट। तो यहाँ से उसको पता चल जाता है दिस पोटेंसी इज स्टिल ग्रेटर देन देयर प्रोस्पेक्टिव फेट।
So these cells are said to exhibit the dependent development because their ultimate fate depends on their location in the embryo. So when the same transplantation experiment was from the late blastula, so Spemann has seen a different result rather than regulating their differentiation according to new location. The transplanted cell exhibit independent development. So starting में dependent थी, उसके बाद independent development हुई. तो लेट ग्रेस्टुला में कहीं भी आप इम्प्लांट करोगे तो न्यूरल प्लेट ही बनेगी. स्टार्टिंग में डिपेंड ऑन दैट एरिया, स्टार्टिंग में फेट डिटरमिन, बाद में डिटरमिन नहीं है. तो दिस इज आल्सो ए रेलेवेंट रिजल्ट एंड दिस फॉर द न्यू इन्वेंशन. तो ये सारा स्पीमन के ऊपर एक्सपेरिमेंट था जो स्पीमन के द्वारा किया गया था, जिससे उसने यही रिजल्ट निकाला था कि जीनोमिक इक्विवेलेंसीज आल्सो सीन इन द एम्फीबियन and the early nucleus are totipotent, they can give rise to larva. And secondly, importance of the gray crescent help in the normal gastrulation and further initiation the formation of those cells that help in formation of pure larva in the pure form. Also the stage at which the nucleus migrate is very crucial. At that particular stage, if the nucleus migrate, the normal larva begin. If no nucleus migration occur, unrecognized cell mass is formed. In the third experiment, I have explained to you the importance of the regional specificity, or you can say the time of the implantation. Transplant kis time pe kiya, early stage pe or late stage pe. Agar early stage pe kiya to normal hi banega, late stage pe karenge to ectoderm hi banega. Epidermis ka banne ka fate jo hai wo early stage pe. Thank you very much. आपको ये डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना. कोई इससे रिलेटेड कमेंट एंड क्वेरी है प्लीज़ मुझसे शेयर करना. मैंने बुक की हेल्प से थोड़ा आपको करवाया है क्योंकि कुछ गलत ना हो जाए, तो इसलिए आई होप यू विल अंडरस्टैंड डायग्रामेटिकली. थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक.